राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। आज हम आपको श्री देवी दत्त जोशी, जो कि प्रधानाचार्य राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल नैनीताल में थे, उनसे संबंधित एक प्रसंग सुना रहे हैं। श्री देवी दत्त जोशी जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ जाया करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब वे हनुमानगढ़ में सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, उसी समय महाराज जी उन सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि बाबा पर पड़ी, वह चकरा गए और जोशी जी को बाबा नहीं बल्कि साक्षात धनुर्धारी भगवान श्री राम दिखाई दिए। कुछ ही क्षणों में यह दृश्य बदल गया और उनको मुस्कराते हुए बाबा के दर्शन हुए। इस घटना से जोशी जी अत्यंत प्रभावित हो गए और चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि भाई मुझे अब असलियत का पता हो गया है, आप वास्तव में भगवान श्री राम हैं, अब मैं यह रहस्य सबको बतलाऊंगा। बाबा अपनी उंगली होठों पर लगाकर उनको चुप रहने का संकेत करते रहे, लेकिन वे नहीं माने और चिल्लाते रहे। इस घटना के बाद से जोशी जी की सांसारिक जकड़न छूट गई और उनमें ऐसी विरक्ति और मस्ती छा गई कि लोक दृष्टि से उन्हें विक्षिप्त समझा जाने लगा और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उनको मानसिक रोगों के अस्पताल में भी भेजा गया। जोशी जी एक अच्छे संगीतज्ञ थे, बाबा को बड़े बड़े सुंदर भजन सुनाते रहते थे और ऐसी मानसिक स्थिति में भी राग और ताल की बंदिश का पूर्ण निर्वाह करते हुए वे स्वतंत्रता से गाया करते थे। इस अलौकिक दर्शन से उनकी आंतरिक स्थिति अंत तक आनंदपूर्ण बनी रही। आपको आज की यह कथा, यह प्रसंग कैसा लगा, हमें अवश्य बताइए। हमारी इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली।